रमजानुल मुबारक का चांद, मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का पिशावर में इजलास जारी। हतमी ऐलान चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। दाल मसूर 280 रुपए किलो, दाल चना 260 रुपए किलो, किसी मिर्च बनेगी आपको 160 रुपए पाव। वनस्पति चावल अलग अलग किस्म के 350 रुपए किलो वाले भी हैं। कोई कंट्रोल है ही नहीं, कोई चेकिंग है ही नहीं। हमने सरकारी तौर पे जो ऐलान हुआ है उस पर कंट्रोल तो करें ना, सिर्फ अनाउंसमेंट से क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जूते चप्पल मारे इनको, क्यों अल्लाह ताला छूट दे रहे हैं, मैं नहीं समझ आ रही। कमिश्नर कराची रेट लिस्ट पर अमल कराना भूल गए, मार्केट्स में दुकानदारों की मनमानी से आवाम को परेशानी। दालें चावल और दीगर अशिया के इजाफी कीमतों की वसूली, महंगाई 203 गुना बढ़ गई। ओ भैया IMF तो बोलेगी अपने आदमियों को जहर खिला के मार दो, मुल्क में कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, अभी ये इस दुकान से मैं शरबत लेने गया रमजान के लिए, उन्होंने कहा ये पहले हम 150 का लेके जाते थे हर रमजान को, अब ये बोल रहे 250 का हो गया। क्या हम रोजा रखेंगे, क्या हम किसी को इफ्तार करा सकते, क्या ज़कात दें, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। गलत है, हमारी हुकूमत हमारे साथ ना इंसाफी करे। अगर हम इस राय का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा, इस मुल्क में जो है वो अनार्की लाएगा, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएगा, तो क्या ये राय जो है ये इस काबिल भी नहीं है कि आप जो है वो उसके ऊपर गौर फरमा सकें। इलेक्शन से अदम इस्तेहकाम का खदशा, चाहते हैं असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ हों। वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमती मौकिफ बयान कर दिया। पार्लियामान मुसल्ला जत्तों और दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को तमाम इख्तियारात दे, राणा सना का इजहार। ऑडियो लीक्स पर भी गुफ्तगू। क्या अली शाही का कोई वजूद नहीं है, तो क्या इसके ऊपर कोई तहकीक नहीं होनी चाहिए? ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। वो जो दो बेटों का जिक्र हुआ है, मेरी इस्तदा होगी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि उनके अहवाल का मालूम कर लें आप। आज पंजाब और इस्लामाबाद पर कत्ल के स्क्वाड बनाने का इल्जाम, इमरान खान कहते हैं उन्हें मुर्तजा भुट्टो की तरह आज या कल कत्ल किया जा सकता है। जेल भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा, कातिलों को कत्लेआम नहीं चाहता। कोई कानून और आइन से बालातर नहीं, कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता। अभी पाकिस्तान के अफवाज के कल ही अफसरान शहीद हुए हैं और ये शहादत की ये दास्तान जो है वो कई दहाइयों पर मुहित है, और अब अगर हम इन दहशतगर्दों को पनाह दें और उनको शील्ड बनाएं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दहशतगर्दों को शील्ड बनाना नाकाबिले बर्दाश्त, वजीर आजम का लहजा सख्त हो गया। हर कोल मंसूबे के मुखालिफ पाकिस्तान दुश्मन, 1300 मेगावाट बिजली मंसूबे का इफ्तिताह, साज ही लोगों की तनकीद का जवाब, हर कोल मंसूबा है, बिलावल भुट्टो का खिताब। जब भी कोई अच्छा काम होता है उसका तनकीद होता है, तो कुछ साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्री करते हैं, जेलसी फैक्टर है इनका तनकीद के पीछे, लेकिन फिर भी वो तनकीद करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में उसके तनकीद का सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही थरकोल का इनिशिएटिव है, यही सीपैक का इनिशिएटिव है। कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती का हुक्म, इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। शहर कायद में मुसलसल दूसरे रोज मजहबी रहनुमा का कत्ल, न्यू कराची सेक्टर 5G में फायरिंग से सलीम खत्री जा बहक, मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान 5 गोलियां मारकर फरार, सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर।
शहरी अपनी हिफाजत खुद करने लगे। मंगोपीर में आवाम के फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक। शाहराए फैसल में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम भी मारा गया। 3 फरार। हुसैनाबाद में डाकुओं की सिर्फ 20 सेकंड में बड़ी वारदात। बैंक से 15 लाख रुपए लेकर निकलने वाला रकम से महरूम। शेर शाह मुकाबले में शहीद कांस्टेबल इरफान की नमाज जनाजा। बुरसा एडिशनल आईजी कराची और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के खसूसी दस्ते की सलाम। इब्राहिम हैदरी में 3 किलोमीटर तवील उमर कॉलोनी रोड का अफ्तताह। आवाम का सिंध हुकूमत से जाहिर तशक्कुर। पीपल्स पार्टी खदमात करती रहेगी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। कोरंगी में सफाई मुहिम। गवर्नर सिंध कहते हैं सिलसिला जारी रखा जाए। इंतजामिया क्लीन एंड ग्रीन कराची के लिए काम करे। शहर की हालत ज़ार देखकर दुख होता है, आवाम मायूस है। शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। सदर वजीर आजम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी चीफ और DGISI की शिरकत। पानी का आलमी दिन। कार साज में वॉक का अहतमाम। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में अब्र रहमत, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, स्पेशल पीएट, यारी, क्लिफ्टन और लांडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे रिंचे। दर्जनों मकबूल धुनों के खाले निसार बजमी को बिछड़े 16 बरस बीत गए। सदारती अवार्ड याफ्ता मौसीकार ने 86 पाकिस्तानी और 40 भारतीय फिल्मों के लिए गाने तरतीब दिए। और हॉलीवुड फैंटेसी मूवी द पॉसिबल रोड का ट्रेलर जारी, जबकि फिल्म 8 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।